सो आज हम कहाँ हैं? राधे राधे। तो आज मैं निकला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से लोकेशन पे। मैंने सोचा क्यों ना इस बार की होली मथुरा में सेलिब्रेट की जाए, तो मैं निकल पड़ा बरसाना की तरफ इस बस में बैठ के। जब सभी लोग इस बस में बैठ गए तो लोगों ने भजन और कीर्तन के साथ इस सफर को शुरू किया, जो कि बहुत ही आनंदमय रहा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन धाम की, बजरंगो हला जिसकी दीवानी, ब्रज की हर बाला वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, जो है आज बेला मधुमेनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, दुनिया गए है वो अनजाने, सब कहते होते हैं दीवानी, कृष्णा से मिलो होते हैं दूर। सुंदर भजन और नृत्य के साथ हम पहुंच गए गोवर्धन, उसके बाद हम निकले बरसाना और फिर वृंदावन। हालांकि दिल्ली से मथुरा आने के लिए काफी सारी ट्रेन्स और बसेस है, बट मैं प्रेफर करूंगा आप टूर एंड ट्रेवल्स के साथ ही आए। हम दिल्ली से सुबह 4 बजे गोवर्धन पहुंच गए और उसके बाद उनकी परिक्रमा शुरू की। सो ये है राधा रानी कुंड। श्री गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा हमने पूरी कर ली है, बड़ी वाली, और छोटी वाली मैं अभी कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैंने दर्शन किए हैं श्री राधा रानी कुंड के, और अब आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। तो यहाँ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा आप पैदल भी कर सकते हैं और मेरी तरह आप रिक्शा भी कर सकते हैं। हालांकि टाइम की कमी होने की वजह से मैंने रिक्शा करी है और रिक्शा से मैंने परिक्रमा पूरी करी है। सो गोवर्धन परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है और मुझे बड़ा आनंद आया इस यात्रा में, और अब मैं जाकर नहाऊंगा और उसके बाद फिर बस में दोबारा इनके साथ ही निकलूंगा बरसाना की तरफ। गाइज यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड है यार, मतलब हमारी बस बीच में ही रोक दी गई है बैरिकेड के पास, और यहाँ से हमें अब पैदल जाना पड़ेगा, यानी कि 4-5 किलोमीटर आगे। वैसे आज बरसाना में है लड्डू मार होली, तो देखेंगे कैसी होती है वो। तो चलते फिरते यार, कुछ बच्चों ने इस तरीके से कलर डाल दिए हैं। सो यार यहाँ पर काफी सारे लोग मतलब गली के बाहर आके होली खेल रहे हैं, और मतलब कोई वो नहीं है अन्य लोगों पे कलर डालना, मजा आ रहा है यार। इस स्ट्रीट पे लोग बाल्टी लेके खड़े हैं कलर डालने को यार। राधे
वैसे आज तो लड्डू मार हो लिया यहाँ पर, पर लड्डू कम कलर मार ज़्यादा हो रही है। आगे भैया बस साइड ही हो जाते हैं। राधा रानी मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और हमने वहाँ पर उनके सुंदर से दर्शन किए और दर्शन करके बाहर निकल गए। जैसे ही हम बाहर निकले लोग यहाँ पर होली खेल रहे थे और सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे थे। फाइनली राधा रानी जी के दर्शन हुए और बहुत ही सुंदर हुए। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा क्राउड है यार, पूछो मत इस टाइम पर कितना क्राउड है। और अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। बाकी यार कलरफुल इन लोगों ने पूरा कर दिया है मुझे यहाँ से, हर कोई यहाँ पर कलरफुल होके बैठा हुआ है, सब रंग बिरंगे हो रखे हैं यहाँ पर। ये देखो शॉप्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गजब यार। चारों ही साइड यहाँ पर कलर ही कलर मिलेंगे आपको। और ये देखो लटमार होली, यहाँ पर लटमार होली भी होती है। तो फिलहाल आज लड्डू होली है, तो देखते हैं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा देखने का। तो Go!